पढ़ाने लगा, फिर भी आप क्या करो महाराज, ऐसे ही होता है, फिर बाद में पश्चाताप करेगा, इसलिए मैं हम उनके लिए जी रहे हैं, हम अपने लिए नहीं। बोलो ऐसे ही है। हाँ महाराज बिल्कुल है, दादाजी को नाती से क्या मतलब, लेकिन वो नाती का उद्धार हो जाए, मतलब पिताजी के द्वारा उद्धार होना नहीं, उसको दादाजी का ही द्वारा होगा, कोई विपर दादा के द्वारा होगा, फिर कोई स्वर दादा के द्वारा होगा, क्या समझ करके बैठे हो, दिन में हो के रात में हो बैठे कैसे बताओ महाराज, है तो दिन, तो क्यों समझ में नहीं आ रहा, रात में समझ में नहीं आता, दिन में भी समझ में आता, और सोचने से भी कोई बात समझ में नहीं आती, यूं ही निकल गए महाराज, और आप भी निकल जाएंगे तो हम एक समझाने वाला कौन है, तो हमारे साथ हो जाओ, अहिंसा पर वो धर्म की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय, आचार्य गुरुवर श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामहाराज की। आप लोगों ने कभी सोचा होगा, सोने से पूर्व में आप अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन थक गए थे बहुत जल्दी, इसलिए सो गए, 5 मिनट भी नहीं लगा, सो गए बिल्कुल, जैसे बेहोश हो गए, कोई व्यक्ति हिला भी रहा, दुलार भी रहा, कुछ भी जवाब नहीं, बोल रहे हैं जोर से बोल रहे हैं, नहीं समझे, आप जो चाहते हैं वही साथ आप बोल रहे हैं, तो भी बेहोश। आपका जीवन क्या है कभी सोचा आप लोगों ने, दिन की अवस्था में तो हम बहुत सारी बातें अपने मतलब के बोलते रहते, अब उस समय में क्या बोल रहे बताओ, ये हार किसकी किसकी है, सबकी, जिंदगी आखिर क्या है, वहां पर खाने के पीने के सोने के उठने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी, और कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी सोते हैं आंखें खुली रहती, कहते हैं नहीं अब ये देखो, नहीं नहीं देख रहे हैं देख रहे हैं, देखने देखने कुछ नहीं, वहां पर आंखें ऐसी खुली है जिसे बिल्कुल देख ही रहे हैं आप, अध खुली भी रहते हैं कभी खुले भी रहते हैं, तो आखिर ये जीवन का क्या अस्तित्व है, थोड़ा सोचा करो, और जिनका प्रारंभ हुआ जीवन और जिनको रवाना होना है, सब कहिए कि, छोटा भी लड़का है बड़ा भी लड़का है और बड़े भी हैं, वृद्ध भी हैं अनुभवी हैं, पढ़े हैं लिखे हैं सब कुछ है, सबका एकमात्र एक ही पंगत में बैठो भैया, है ही नहीं कुछ, मृतक तुल्य हो जाता है, इसी को बोलते हैं कर्मों के उदय में क्या गति होती है, वह कर्म निद्रा कर्म निद्रा निद्रा कर्म आदि उदय को प्राप्त होते हैं, यह दशा आपकी हो जाती है, कभी भी वो उत्पन्न उदय हो जाए कभी भी, तभी आप दिन में भी इस प्रकार की वृत्ति आपकी हो जाती है, कई लोग दिन में ज्यादा सोते हैं, रात में तो सोते ही है, रात में ठीक नहीं सोया था इसलिए आज दिन में सो लेता हूँ, अब सो जाते हैं कहा नैन सिंह सो जाते हैं,
अब उठाओ नहीं किसी ने, कोई भी उठाएंगे नहीं, ऐसे कह करके सो गए। अब उठा नहीं सकते, अब भोजन का समय हो गया, अब क्या करें। उन्होंने ताकीद कर रखा है, कोई उठाएंगे नहीं मुझे, अच्छे सोने जाने, ठीक है। अब दिन ढल गया, नाश्ता पीस्ता सब समय ठीक हो गई। अब सुबह की नाश्ता दे दो, नाश्ता भी नहीं और ऊपर मध्यान्ह का भोजन हो चुका है, शाम को भोजन है, अब शाम को डिनर तो होने वाला है, आपने उठाया क्या नहीं? आपने कही तो पहले तो कही थी, कैसे उठाए बताओ? आप उठ जाते तो हम खिला देते, आपने कहा था को नहीं उठाना, ठीक है सो जाओ। अब हम बिना खाए कैसे सोए हैं? तो आपने मना कर दिया, तो हम क्या, हमने तो बर्तन बासन सब साफ कर दिए। जैसे आपने कहा हुआ है ऐसे हमने साफ कर दिया, रात का त्याग है। समझ में आ गया? इसलिए जिसको दिन में सोने की इच्छा नहीं या आदत पड़ी है तो उसको छोड़ दो, महाराज बहुत कठिन है, इसलिए तो हम कह रहे हैं प्रतिभा संपन्न जो होता है वो कठिन प्रश्न को अच्छे ढंग से हल करता है। आप लोग प्रतिभा संपन्न तो है ही, विशेष प्रतिभा संपन्न है, इसलिए दिवा मास वापसी दिन में आप मत सोओ, क्योंकि इसके सोने से सर्वघाती निद्रा कर्म का बंद होता है। अब वह उदय इसी प्रकार काम करेगा, ध्रुवोदय होता नहीं है, अध्रुवोदय है, लेकिन बंद तो इसका निश्चित है। इसलिए जब वो विशेष गाढ़ा कर्म बंद होगा, उदय उदय न होगी, तो क्या दशा होगी इसकी? उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसको। हाँ, तो इसलिए आचार्य ने कहा कि तुम अबुद्धिपूर्वक या बुद्धिपूर्वक कर्म बांधोगे तो किस समय कैसा उदय होगा उदीर्ण होगी, उस समय आपको कौन क्या कहेगा मुझे बताओ? कोई उपदेश सुनाओ, को कुछ सुन नहीं रहा हो तो कान तो वैसे खुले हैं, आंखें भी खुली है, सब कुछ है, लेकिन नासिका सुंगा दो कुछ नहीं। अच्छी अच्छी जो है इतर तेल वगैरह लगा दो, नाक में डाल दो, डाल दो, क्या बात लोगे? जब ट्राई करके इतर के जो फुआ होते हैं वो नाक में नहीं डाले जाते, कहाँ डाले जाते? कान में है, कान में डाले जाते, उनके नाक में डाल दो तो भी सूंघ न जा। अच्छी क्वालिटी का मोगरा हीना चमेली फिमेली डाल दो, सब डाल दो, शीशी भी लुढ़का दो तो कुछ नहीं, क्या हो गया? अच्छे बोलने वाले बोलो बोलो, ये दशा है, पढ़े लिखे भी हो तो भी कुछ नहीं, उसका होश हवास नहीं, कर्मों के ऐसे मार पड़ते हैं, फिर भी यह हमें समझ में नहीं आता। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव बचने का पुरुषार्थ करते हैं, और मिथ्या दृष्टि अब क्या कर सकते हैं, हमने कर्म ही ऐसे किए हैं तो किए हैं और करते जाओ, और हर बात में इस प्रकार सम्यक दृष्टि या भद्र जीव सोच करके बचना चाहे तो बच सकता है, नहीं तो भगवान ही, भगवान कभी भी सब कुछ देख रहे हैं आपको, लेकिन वो नहीं करते काम, क्यों?
ये मेरा कार्य है ही नहीं, तो भगवान बन बैठे, थोड़े बहुत तो हमारे लिए कुछ कार्य कर देते, कुछ करने की बात है ही नहीं। हमने जो कुछ उपदेश देना था दे दिया, अब तुमको करना हो तो कर लो। आप लोगों के घर वाले भी जो वृद्ध होते हैं ना, जब आप लोग उनकी बात नहीं मानते हैं, बेटा तुमको जो जो करना हो तो कर लो, मेरे माथा नहीं खाना, नहीं समझे, हम जाने को तैयारी में हैं, हमारे लिए छोड़ दो। कैसे जा सकते हैं आप ऐसा कार्य करके, ऐसा नहीं जाने देंगे। बेटा मान लो, मान लो जब वो चला गया, रो रहा है वो, पिताजी ने कहा तो था मैं चला जाऊंगा, तुम जो कुछ करना हो तो कर लो, हमें कुछ नहीं है, हमें जाना ही है। तो गए, एक दिन गए, अब वह जीवन पर्यंत पश्चाताप कर रहा है। पिताजी क्या क्या कहने वाले थे क्या पता, हमारे हित की बात कहने वाले थे, हाँ ऐसे हित नहीं होते। अब वो वहाँ पर बैठे बैठे कह रहे होंगे, देखो बेटा तकलीफ का रहा है, लेकिन वहाँ से आ नहीं सकते, सुन रहे हो, कोई भी नहीं आ सकता, हाँ कोई भी आकर के समझा नहीं सकता, क्योंकि वह समझाने की बात नहीं थी, वह तो मुंह की बात थी। वो व्यस्त हो गए, हम भी व्यस्त होंगे, आप भी व्यस्त होंगे, उससे पहले ही ये कार्य सुन लो। व्यस्त समझते हो, व्यस्त का अर्थ है वो अपने कार्य में इतने लीन हो जाते हैं कि आपकी बात सब भूल जाते हैं। हमारी बात तो सुनो, देखो आपकी बात तो उस समय सुनी, अब सुनाओगे तो समझ में आएगा नहीं, ऐसा हुआ था। एक भाव का दूसरे भाव में कोई भी समझा दो, समझ में नहीं आएगी। आपने इतना पैसा दे दिया था, इतना ले लिया था, आप अब दे दो, आपके पास कंठहार है वगैरह है, नहीं देने के नहीं होगी वो, तो आपने वह समय तो लेकर के भग गए थे, भग गए थे, आप भी भग जाओ, मिलेगा नहीं। ऐसे कटु कटु अनुभव होते हैं, तब लगता है कि ये सब संसार क्या है, किसके लिए कर रहे हैं, कर रहे हैं लेकिन किसके लिए कर रहे हैं। बीता जब तक नादान है तब तक तो आप कुछ करो, लेकिन आपके लिए वो जब